सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 20 सितंबर 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु लॉन्च कार्तिज्ञ 3.0 नेशनल लेवल हैकथॉन ऑन क्रॉप इंप्रूवमेंट। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज इट्स बी विच इज ICAR। ओके, इट्स इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पे एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने आके मिलकर के यहाँ पे इस पर्टिकुलर कार्तिज्ञ 3.0 को यहाँ पे लॉन्च किया। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्रॉप इंप्रूवमेंट यहाँ पे करने के लिए पूरा यहाँ पे हर चीज़ किया गया। यहाँ पे जो न्यू वेराइटी ऑफ क्रॉप्स होते हैं उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला गया। साथ ही में जब हम लोग यहाँ पे नई नई वेराइटीज़ के यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्रॉप्स को, तो उससे वहाँ पे हमें हाई प्रोडक्शन रहेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो पेस्टिसाइड्स या फिर जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो भी यहाँ पे हमें कम यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेगी। ओके, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में यहाँ पे बोला गया कि भाई हमें यहाँ पे न्यू टेक्निक्स यूज़ करना है। किस चीज़ में, सॉरी थोड़ा हल्का हो गया, गलत हो गया। न्यू टेक्निक्स यहाँ पे हमें यूज़ करना है किस चीज़ में, फार्मिंग सेक्टर में। ओके, सो दैट कि हम अपने फार्मिंग सेक्टर को काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे बूस्ट कर पाएँ और जो अभी हमारा प्रोडक्शन है उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन हो पाए। ओके, साथ ही में यहाँ पे स्टूडेंट, फैकल्टी, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर, इन सबको यहाँ पे एक साथ ला के बोला गया कि भाई हम सबको यहाँ पे हेल्प करना है सो दैट कि हमें जो यहाँ पे हमें क्रॉप इंप्रूवमेंट जो है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। ओके, तो स्टूडेंट, फैकल्टी, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर्स, इन सब की मदद से यहाँ पे हम लोगों ने काम किया। ओके, अभी इसके ऊपर और भी काम बचा हुआ है, मतलब शुरू भी नहीं हुआ, ढंग से भी करेंगे इस पर हम लोग काम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज इंडियाज फर्स्ट स्वच्छ सुजल प्रदेश। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज इट्स डी विच इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, तो ये इंडिया का सब पहला यहाँ पे आइलैंड है जिसके हर विलेज में, हर घर में यहाँ पे शुद्ध जल, यानी कि यहाँ पे देख सकते हो सुजल लिखा हुआ है, शुद्ध जल या फिर प्योर वाटर यहाँ पे जाता है, लाइक नॉट सो प्योर लेकिन पीने लायक पानी वहाँ पे पहुँच जाता है। ओके, साफ पानी, अच्छा जल यहाँ पे पहुँच जाता है। ओके, काफ़ी यहाँ पे ये बड़ा अचीवमेंट है किसके लिए, अंडमान एंड निकोबार के लिए। रीज़न इज़ दैट कि अंडमान एंड निकोबार बिल्कुल एकदम सेंटर ऑफ कह सकते हो कि लाइक ओशियन में आता है या फिर यहाँ ओशियन में आता है, इसलिए वहाँ पे प्योर वाटर मिल पाना या फिर जो पीने लायक पानी है वो यहाँ पे अवेलेबल कर पाना थोड़ा सा मुश्किल। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है। इसको यहाँ पे डिक्लेयर किसने किया था, गजेंद्र सिंह शेखावत, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति मिनिस्ट्री। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। साथ ही में ये 17th of September को यहाँ पे किया गया, जिस दिन मोदी जी का बर्थडे था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वच्छ अमृत महोत्सव किक स्टार्ट इंडियन स्वच्छ लीग ऑन विच डेट। सो राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स डी विच इज 17th of September। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया स्वच्छता लीग। ओके, तो इस लीग के अंदर यहाँ पे इंटर सिटी कॉम्पिटिशन होने वाला। ओके, किस चीज़ को लेकर के, फॉर क्लीनिंग बीच, बीच को यहाँ पे क्लीन करने के लिए किया जाएगा। साथ ही में यहाँ पे जितने भी हमारे पहाड़ वगैरह फिर जितने भी हमारे हिल्स हैं उनको यहाँ पे साफ़ सुथरा करने के लिए किया जाएगा। साथ ही में जितने भी हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं उनको यहाँ पे साफ़ करना। ओके, अगर मैं यहाँ पे सीधा यहाँ पर एक शब्द में अगर मतलब एक लाइन में बोलूं तो हमें यहाँ पे गार्बेज फ्री सिटी यहाँ पे बनाना है। ओके, पहली चीज़ यहाँ पे ये है। साथ ही में ये जो पूरा यहाँ पे जो लीग चल रहा है इसको कई सारे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उन्होंने इसको यहाँ पे सपोर्ट भी किया और बोला बहुत सही काम कर रहा है, कर रहे हो यहाँ पे, और इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे इंडिया में होनी चाहिए सो दैट कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्लीन हो सके और काफ़ी अच्छा हो सके। ओके, रहने लायक हो जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-2023 एंड एट द 22nd मीटिंग ऑफ शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट एट समरकंद उज्बेकिस्तान। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज इट्स सी विच इज वाराणसी। ओके, पहले ऊपर देख रहे थे कि इतना सारा क्या क्या दिया हुआ है, तो शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे मीटिंग हुआ था, कौन सा, 22nd मीटिंग हुआ था, कहाँ पर, समरकंद उज्बेकिस्तान में। ओके, यहाँ पे वाराणसी को यहाँ पे SCO ने बोला कि भाई ये हमारा टूरिज्म और ये अपना कल्चरल कैपिटल रहेगा किस एक साल के लिए। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ तो जो हमारा वाराणसी जो है वो ऑलरेडी इंडिया का एक तरीके से कल्चरल कैपिटल है। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे टेक कैपिटल यानी कि टेक्नोलॉजी कैपिटल तो ये बैंगलोर है, फाइनेंशियल कैपिटल कौन सा है, ये हमारा मुंबई है। तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैपिटल्स होते हैं जो आपको यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो वाराणसी को यहाँ पे SCO ने बोला है कि भाई ये अभी हमारा यहाँ पे कल्चरल कैपिटल बना हुआ है एक साल के लिए। ओके, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेन यहाँ पे चीज़ है भाई टूरिज्म, कल्चर और ह्यूमैनिटेरियन। ओके, ह्यूमैनिटेरियन। ओके, तो यहाँ पे हमें इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे प्रमोट करना है और जितने भी SCO के मेंबर्स हैं और इंडिया के बीच में सारे चीज़ों को यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हैं, लाइक जो हमारा कल्चर है उसके बारे में जानेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगा। ओके, साथ ही में इस पर्टिकुलर वाराणसी में यहाँ पे जो हमारे स्कॉलर्स, ऑथर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट और भी अलग अलग जो फोटोग्राफर होते हैं वो सब यहाँ पे आएंगे और अपना कीमती समय देंगे वाराणसी को। ओके, वाराणसी तो अपने आप में एक दुनिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ लॉन्च नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी
at Vigyan Bhavan, New Delhi on 17th of September 2022. So, right answer of 5th is, it's A, which is PM Narendra Modi, okay? तो यहाँ पे बोला गया है कि पहले यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया, पहली चीज़ से यहाँ पे नेशनल लॉजिस्टिक यहाँ पे पॉलिसी को यहाँ पे लॉन्च किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, किस चीज़ के लिए, सो दैट कि जो भी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर में जितने भी यहाँ पे चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया जा सके, ओके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। साथ ही में जितना भी यहाँ पे जो हम लोग टाइम कंज्यूम करते हैं किसी भी ट्रक वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह जाने में, उसके टाइमिंग को यहाँ पे कम कर सकें, जो यहाँ पे कॉस्ट लगता है उसको यहाँ पे हम लोग कम कर सकें। साथ ही में जितने भी यहाँ पे ट्रक्स या फिर व्हीकल्स हैं जो भी यहाँ पे लाइक जो लॉजिस्टिक या फिर शिपमेंट के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है उसको हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन या फिर ग्रीन पावर के ऊपर इसको हम लोग कन्वर्ट कर सके और उसी को हम लोग मतलब अडॉप्ट कर सके ग्रीन टेक्नोलॉजी को, सो दैट यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो यहाँ पे कम हो जाए, कार्बन जो रिलीज होता है वो भी यहाँ पे कम हो जाए और जो कॉस्ट है वो भी यहाँ पे मतलब कम हो जाए, ओके। तो ये काफ़ी यहाँ पे अच्छा किया गया। साथ ही में ये एग्रीकल्चरल सेक्टर को भी यहाँ पे इनडायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है, वाई बिकॉज जितना भी यहाँ पे एग्रीकल्चर जितना भी ग्रेन वगैरह आता है, राइस वगैरह या फिर अनाज वगैरह आता है, उसको यहाँ पे फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हम लोग इस पर्टिकुलर लॉजिस्टिक को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ओके। तो काफ़ी यहाँ पे अच्छा यहाँ पे पॉलिसी लेके आया गया है, बहुत बेहतरीन है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विज्ञान प्रगति विच रिसीव द नेशनल राज्य भाषा कीर्ति अवार्ड इज अ साइंस मैगजीन रिलीज बाय विच इंस्टीट्यूशन। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज, इट्स सी, विच इज CSIR, ओके। इट बहुत अच्छी यहाँ पे संस्था है, इसको हम लोग काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यहाँ पे इसको बोलते हैं, ओके, CSR को। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो इसको यहाँ पे अभी नेशनल राज्य भाषा कीर्ति अवार्ड मिला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, ओके। नॉर्मली जो मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोलता हूँ वो देश के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो मैं ये बता रहा हूँ ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और देश के लिए तो है ही, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे मेनली अगर बात करें तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यहाँ पे हम लोग एक्सेसिबल करवा पाते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में किसी भी इंसान को, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे कोई भी साइंस या फिर टेक्नोलॉजी का कोई भी यहाँ पे बहुत ही हार्ड टर्म या फिर काफ़ी हार्ड डेफिनेशन यहाँ पे दी रहती है अगर हम पढ़ाई की बात करें इसमें तो उसको यहाँ पे काफ़ी सिंपल लैंग्वेज या फिर मदर टंग में यहाँ पे कन्वर्ट करके देने के लिए ही यहाँ पे नेशनल राज्य भाषा कीर्ति अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है, ओके। या फिर कह सकते हैं हम लोग कि रिफॉर्म्स इन लैंग्वेजेस, यहाँ पे जो रिफॉर्म्स जितने भी आते हैं लैंग्वेजेस में उसके ऊपर भी यहाँ पे दिया जाता है, ओके। तो यहाँ पे CSIR ने काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे काम किया, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे याद रखना, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट सेलिब्रेट सोशल जस्टिस डे ऑन द बर्थडे ऑफ रिफॉर्मिस्ट लीडर ईवी रामास्वामी। सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज, इट्स ए, विच इज तमिलनाडु, ओके। इनको हम लोग नॉर्मली लाइक निक नेम के हिसाब से पेरियर भी बोलते हैं, ओके। तो इनके ही हम लोग बर्थ एनिवर्सरी के दिन हम लोग सोशल जस्टिस डे यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये 17th ऑफ सेप्टेम्बर को होता है, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये काफ़ी यहाँ पे लाइक प्रोमिनेंट रिफॉर्मिस्ट यहाँ पे रह चुके हैं, ये हमेशा यहाँ पे इक्वालिटी की बात करते थे, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते थे, सोशल जस्टिस यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड, ओके, ब्रदरहुड की भी यहाँ पे बात करते थे, ओके। साथ ही में करप्शन के ऊपर भी इनका काफ़ी बड़ा मतलब अगेंस्ट थे कि भाई ये सब जो कर रहे हो वो सही चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के यहाँ पे सोशल जस्टिस से यहाँ पे हम लोग इस्टेब्लिश कर दिया गया, किसके द्वारा, तमिलनाडु के, तमिलनाडु के सीएम साहब जो हैं MK Stalin जी, उन्होंने भी यहाँ पे श्रद्धांजलि दी और इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे उन्होंने बातचीत किया, ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अभी के टाइम पे इक्वालिटी वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूट लेड अप द कोस्टल क्लीन अप डे कैंपेन इन इंडिया। सो राइट आंसर ऑफ एट्स इज, इट्स बी, विच इज इंडियन कोस्ट गार्ड, ओके। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ऑलरेडी काफ़ी अच्छा काम करती है हमारे जितने भी तट, जितना भी लाइक जो तट वाला इलाका या फिर जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, लेकिन अब यहाँ पे ये लोग क्लीनिंग भी करने लगे जो कि मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मोर देन 2000 से भी ज़्यादा मतलब यहाँ पे चिल्ड्रन एंड जितने भी यहाँ पे वॉलेंटियर्स थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा ये मुंबई में यहाँ पे किया गया और बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काम किया गया, ओके। महाराष्ट्र के जो गवर्नर साहब थे भगत सिंह कोशियार जो थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे और इन्होंने भी साथ यहाँ पे सहयोग दिया, भाषण वगैरह दिया और लोगों को वहाँ पे मोटिवेट किया, ओके। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे अगर सिंपल चीज़ बोला जाए तो यहाँ पे बीचेस को यहाँ पे क्लीन करने के लिए बोला, प्लास्टिक फ्री इन्वायरमेंट यहाँ पे करने के लिए बोला, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा था, हाँ ठीक है। और काफ़ी यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें बोली यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमें अपने अर्थ की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है, सी की यहाँ पे रिस्पेक्ट करनी है और जो नेचर है उसे भी हमें कभी भूलना नहीं है, पॉल्यूशन नहीं फैलाना है, अपना इंडिविजुअलिज्म यहाँ पे जो दिखाना, लाइक अपना खुद का इंडिविजुअल होकर यहाँ पे योगदान देना है, ओके। ऐसा नहीं है कि भाई कोई यहाँ पे कोस्टल क्लीनिंग डे कोई आएगा, मतलब ऐसा कुछ दिन आएगा तब हम लोग जाके यहाँ पे क्लीनिंग करेंगे, जब भी मौका मिलता है जस्ट गो अहेड एंड क्लीन इट, ओके।
So next question is, World Bamboo Day is celebrated every year in which month? So right answer of 9th is, it's D, which is September. Okay, so September में हम लोग इसको यहाँ पे 18th of September को यहाँ पे हम लोग इसको celebrate करते हैं. Okay, तो ये काफ़ी important natural resource है, इसीलिए हमें इसे यहाँ पे protect की भी करना है, साथ ही में हमें इसे यहाँ पे conserve करना है. Okay, for our future generation. Okay, although ये काफ़ी मात्रा में यहाँ पे like उगा हुआ रहता है, एक तरीके का grass है ये. Okay, and अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे ये globally यहाँ पे like available है. इसका हम लोग आज भी हर जगह यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अगर हमें लाइक घर बनवाना हो तब भी वहाँ पे इस्तेमाल होता है, किसी तरीके का यहाँ अगर डैम कंस्ट्रक्शन होता है तो भी वहाँ पे लाइक कंस्ट्रक्शन साइट पे हम लोग इसको आज भी यूज़ करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी यहाँ पे ड्यूरेबल रहता है. ओके, साथ ही में यहाँ पे बताया जाता है कि लाइक आप बैम्बू को हर जगह अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो एज अ हाउस होल्ड थिंग. ओके, तो आप उसका भी कर सकते हो. साथ ही में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे एक तरीके का यहाँ पे ग्रास होता है, इसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए, इसके ऊपर यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए, कंजर्व करने के लिए लोगों ने यहाँ पे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे बनाया. कहाँ पर है? बेल्जियम में है, और 2005 में ही इसको बनाया था. ओके, तो अगेन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमें कंजर्व करके रखना है. ओके, खत्म इसको बिल्कुल नहीं करना है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंटरनेशनल रेड पांडा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? राइट आंसर ऑफ 10th इज, इट्स बी, विच इज 17th ऑफ सेप्टेम्बर. ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ये 17th ऑफ सेप्टेम्बर को नहीं होता है, थर्ड सैटरडे ऑफ सितंबर. ओके, तो किस लाइक सितंबर में कोई भी यहाँ पे थर्ड सैटरडे में कोई भी यहाँ पे दिन या तारीख यहाँ पे हो सकता है. ओके, तो उस दिन हम लोग इसको यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. ओके, वन ऑफ द रेयर एनिमल में से ये एक है, इसको यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे इसको अर्जेंट कन्वर्सेशन यहाँ पे करना पड़ेगा. ओके, कंजर्व करना पड़ेगा, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लाइक लोगों ने कई सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी यहाँ पे बनाए हुए हैं. और यहाँ पे ये भी बोला गया कि भाई ये पर्टिकुलर डे पे हम लोग यहाँ पे रेड पांडा के लाइफ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, और इसको हम लोग विलुप्त होने से कैसे बचा सकें वो भी यहाँ पे हम लोग बात करते हैं. ओके, रेड पांडा इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आर इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द इंडिया अफ्रीका ग्रोथ पार्टनरशिप कॉन्क्लेव? राइट आंसर ऑफ 11th इज, इट्स ए, विच इज एक्सिम बैंक एंड CII. ओके, एक्सिम बैंक जो है इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अफ्रीका से बिलोंग करता है, और CII जो है वो नहीं, एक्सिम बैंक भी अपना ही है, और CII जो है वो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री. ओके, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री आता. ओके, एक्सिम बैंक भी अपना ही, मैं भूल गया था. ओके, ये अपना ही है. तो बेसिकली यहाँ पे एक तरीके से ग्रोथ पार्टनरशिप यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे हमने साइन अप किया किसके साथ? अफ्रीकन नेशंस के साथ. ओके, तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब जो है, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पे इनॉग्रेट किया था. ओके, किस चीज़ के लिए? सो दैट कि यहाँ पे जितना भी लाइक अफ्रीकन नेशन है उसको हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सकें. ओके, डेवलपमेंट का जो काम है हम लोग यहाँ पे अफ्रीका में जाके कर सकते हैं. ओके, जैसे कि यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें ऑलरेडी बताई गई थी, सोलर एनर्जी या फिर हम लोग इसको रिन्यूएबल एनर्जी भी बोल सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट, मिलिट्री कॉरपोरेशन का यहाँ ऊपर काफ़ी काम किया गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया. ओके, ऑल्दो अगर हम बात करें तो अफ्रीका में बहुत ही मतलब लेस अमाउंट ऑफ ऐसी कंट्रीज हैं जो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रही होगी, और लाइक इजिप्ट इज़ वन ऑफ देम जो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डेवलप कर रहा है, एंड काफ़ी उसकी अच्छी खासी इकोनॉमी भी है बिकॉज ऑफ स्विस कैनाल, और लोग वहाँ के जागरूक भी. ओके, तो अभी हमें पूरे अफ्रीका रीजन को यहाँ पे डेवलप करना है, और इंडिया ने इसके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप किया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्मेनिया एंड अजरबैजान विच वर सीन इन न्यूज फॉर बॉर्डर क्लैशेस आर लोकेटेड इन विच रीजन? राइट आंसर ऑफ 12th इज, इट्स बी, विच इज यूरेशिया. ओके, तो यूरेशिया में आता है, ना ही ये एशिया, लाइक ये क्या है ना कि जैसे कि ये हमारा यूरोप है, ये हमारा एशिया है. ओके, तो इसके बीच में आता है, तो इसके बीच के रीजन को हम लोग यूरेशिया बोलते हैं. ओके, यूरेशिया में यहाँ पे तीन अलग अलग कंट्रीज आती है, एक हो गया जॉर्जिया, आर्मेनिया एंड अजरबैजान. ओके, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान जो है वो यहाँ पे USSR से ही यहाँ पे डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में. ओके, और अभी जो है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में बहुत पहले से ही यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट कह सकते हो, या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे चलते रहते हैं. यहाँ पे बोलता है कि कोई बोलता है कि भाई वो मेरी ज़मीन है, तुमने हड़प रखी है, मतलब ऐसे चलते रहता है. ओके, 2020 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे लाइक मोर देन सेवेंटी पीपल आर डेड जस्ट बिकॉज ऑफ बॉर्डर क्लैशेस, एंड अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉब्लम वापस यहाँ पे शुरू हो चुका है. ओके, होप कि जल्दी खत्म हो जाए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट अपर हाउस हैज रिसेंटली पास्ड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल? राइट आंसर ऑफ 13th इज, इट्स ए, विच इज कर्नाटका. ओके, तो कर्नाटका ने यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल यहाँ पे पास किया. इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम सिंपल यहाँ पे एंटी कन्वर्जन बिल भी इसको हम लोग बोल सकते हैं. ओके, इस बिल में यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे चाहती है कि जितने भी यहाँ पे फोर्सफुली जितने भी कन्वर्ट होते हैं लोग एक धर्म से दूसरे धर्म में, उसको यहाँ पे रोका जा सके. ओके,
तो मेन यहाँ पे अगर हम बात करें तो फोर्सफुली यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर आपकी अपनी इच्छा है, आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला जो धर्म है वो काफ़ी अच्छा है, तो आप उसको यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ पे नहीं करना चाहिए। एंड जो मैंने अभी बोला वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल चॉइस है, मेरा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो कर्नाटका की गवर्नमेंट लेके आई है काफ़ी यहाँ पे अच्छा लेके आई है। यहाँ पर जितने भी इस तरीके के जो कन्वर्जन होते हैं वो अच्छा नहीं होता, सही नहीं माना जाता, इसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। ओके, हर धर्म के ऊपर, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर सिंगल वन, एवरी पर्टिकुलर रिलीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज रिलीज अ रिपोर्ट टाइटल इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022। राइट आंसर ऑफ 14th इज इट्स डी विच इज ऑक्सफैम इंटरनेशनल। ओके, ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने बोला कि भाई इंडिया में जो डिस्क्रिमिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, स्पेशली इन द केस ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी यहाँ पे बात किया गया कि भाई एम्प्लॉयमेंट में जो गैप है वो 98% का है अर्बन एरिया में, और रूरल एरिया में यहाँ पे 100% का है। ओके, तो मतलब बोला गया कि भाई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया में अर्बन में रह रहे हो तो आपको मतलब जेंडर इक्वालिटी रहेगा। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो ये भी यहाँ पे बोला गया कि भाई जो मेल है उनको ईजिली यहाँ पे कोई भी यहाँ पे जॉब मिल जाता है, लेकिन वुमेन्स को यहाँ पे एक पर्टिकुलरली स्पेसिफिक जॉब में ही जाना पड़ता है, वो हर जगह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, और ये ऐसा इंडिया में होता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो मेन है उनको कोई भी यहाँ पे लाइक दे कैन अर्न मोर देन अ वुमेन। ओके, और जो फीमेल होती हैं उनको यहाँ पे ऐसा मतलब नहीं मिलता, उनको पैसे भी यहाँ पे जो वेजेस होते हैं वो भी यहाँ पे कम मिलते हैं, या फिर जो उनकी अर्निंग होती है वो भी यहाँ पे कम होती है, और धीरे धीरे वो अपना रिस्पेक्ट भी यहाँ पे लूज़ कर जाते हैं। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट मैन तो यहाँ पे इनकी रिस्पेक्ट भी बढ़ जाती है, भाई बोलते हैं कि भाई अपने पैरों पे खड़ा हो गया एंड ऑल दीज थिंग। ओके, तो ये यहाँ पे रहता, तो ये इंडिया में ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पे चल रहा है, इसमें मेरा अपना कोई यहाँ पे योगदान कुछ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी प्ले होस्ट टू द हार्बर फेज ऑफ जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज 2022 which is called GIMEX 22। राइट आंसर ऑफ 15th is it's B which is विशाखापट्टनम। ओके, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो GIMEX जो है वो यहाँ पे 6th एडिशन है किसका, लाइक इंडिया जापान मैरिटाइम एक्सरसाइज का। ओके, 6th एडिशन यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे इंडिया जो है वो यहाँ पे होस्ट कर रहा है, और विशाखापट्टनम में इस पर्टिकुलर मैरिटाइम एक्सरसाइज को यहाँ पे किया गया। ओके, यहाँ पे जापान जो है वो अलग अलग यहाँ पे अपने नेवी के यहाँ पे ships, हेलीकॉप्टर, डिस्ट्रॉयर और भी अलग अलग यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे लेके आया था। इंडिया ने भी यहाँ पे स्वागत किया था अपने, लाइक इंडिया जो है वो अपना खुद का यहाँ पे इंडिजिनियसली मेड जितने भी शिप्स है वो यहाँ पे दिखाया। ओके, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। एंड इंडिया और जापान के बीच में जो यहाँ पे रिलेशंस है उसको ये सारी जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो इसको और स्ट्रॉन्ग करती हैं, और यहाँ पे मजबूत करती हैं, बिल्डअप करती हैं, और फ्यूचर के लिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई फ्यूचर में हमें यहाँ पे अपने दोनों के बीच में यहाँ पे पीस होना चाहिए, अच्छे खासे यहाँ पे बायलेटरल रिलेशंस होने चाहिए, ट्रेडिंग होना चाहिए, लाइक फ्री ट्रेड होना चाहिए, और काफ़ी यहाँ पे अच्छा खासा सब कुछ होना चाहिए। ओके, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम दोनों के बीच में कभी नहीं आएगा। ओके, दिस इज इट गाइस, पीडीएफ जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक है वहाँ जाओ डाउनलोड कर लो। ओके,